नमस्कार, मैं हूं प्रज्ञा। बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नज़र सुर्खियों पर। बिहार के सभी उच्च शिक्षण संस्थान नैक से हो मूल्यांकित। बिहार पुलिस में जल्द होगी बड़ी बहाली। फिल्मों की शूटिंग के लिए तेजस्वी यादव का प्लान। बिहार विधान परिषद में हुआ समितियों का पुनर्गठन। सीरीज जीतने के बाद हार्दिक पांड्या किसके साथ मनाएंगे अपनी छुट्टियां। इसके साथ ही बढ़ते हैं शाम तक की बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। विभाग से ही कराए ग्रामीण पथों का रखरखाव। ग्रामीण पथ विभागीय अनुरक्षण नीति पर एक अन्य मार्ग स्थित संकल्प में ग्रामीण कार्य विभाग द्वारा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के समक्ष प्रस्तुतीकरण दिया गया। इस दौरान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि ग्रामीण पथों का रखरखाव विभाग के द्वारा ही पूरी कराई जाए। इसके लिए जितने कर्मियों की जरूरत पड़ेगी उतने लोगों की जल्द से जल्द बहाली की जाए। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि राज्य में हमने बेहतर सड़कें पुल पुलियों का निर्माण करवाया है, लेकिन इसके रखरखाव के लिए भी हमें खास ध्यान देना होगा। वहीं अगर विभाग द्वारा सड़कों की रखरखाव की जाती है तो उससे खर्च में भी बचत होगी और साथ ही लोगों को रोजगार भी मुहैया कराया जा सकता है। बिहार के सभी उच्च शिक्षण संस्थान नैक से हो मूल्यांकित। बीते दिन पटना के मदन मोहन झा सभागार में शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव दीपक कुमार सिंह की अध्यक्षता में एक बैठक आयोजित की गई, जिसमें बिहार के सभी उच्च शिक्षण संस्थानों के प्रमुख मौजूद रहे। इस बैठक के दौरान अपर मुख्य सचिव दीपक कुमार सिंह ने कहा कि बिहार में जितने भी उच्च शिक्षण संस्थान है उन सभी को नैक से मूल्यांकित होना चाहिए। उन्होंने कहा कि नैक करवाने के लिए हमें अल्पकालिक, मध्यकालिक, दीर्घकालिक योजना बनाकर काम करना होगा। इसके लिए सरकार के द्वारा कार्य योजना भी तैयार की गई है। बता दें कि नैक कराने से शिक्षण संस्थानों को काफी लाभ पहुंचता है। लेक्चरर व हेडमास्टर की नियुक्ति के लिए बीपीएससी ने जारी किया शेड्यूल। बिहार लोक सेवा आयोग के द्वारा लेक्चरर व हेडमास्टर की नियुक्ति के लिए होने वाले इंटरव्यू शेड्यूल जारी कर दिया गया है। शेड्यूल के अनुसार इंटरव्यू की प्रक्रिया 28 नवंबर से शुरू की जाएगी, जो कि 3 दिसंबर तक चलेगी। वहीं इस इंटरव्यू का आयोजन 2 सेशन में किया जाएगा, जिसमें पहला सेशन की शुरुआत सुबह 10:30 बजे से की जाएगी और दूसरे सेशन की शुरुआत 2:30 बजे से की जाएगी। हालांकि अब तक इंटरव्यू सेशन के लिए एडमिट कार्ड जारी नहीं किया गया है, लेकिन मिली जानकारी के अनुसार आयोग जल्द ही एडमिट कार्ड अपनी वेबसाइट पर जारी कर सकता है। इंटरव्यू के दौरान प्रतिदिन 100 अभ्यर्थियों की काउंसलिंग की जाएगी। इनकम टैक्स के छापे में पता चला 100 करोड़ से अधिक का अघोषित लेन देन। पिछले दिनों आयकर विभाग के द्वारा पटना, भागलपुर, डेहरी, आनसोन, लखनऊ और दिल्ली के सोना, हीरा और रियल एस्टेट कारोबार से जुड़े कुछ समूहों के 30 से ज्यादा ठिकानों पर छापेमारी की गई थी, जिसमें आयकर विभाग को छापेमारी के दौरान 100 करोड़ रुपए से अधिक के अघोषित लेन देन का पता चला है और साथ ही चोरी के कई डिजिटल और अहम दस्तावेज हाथ लगे हैं। इसके अलावा 12 करोड़ रुपए मूल्य के अघोषित स्टॉक का भी पता चला है। फिलहाल इस मामले को लेकर जांच अभी चल रही है। फिल्मों की शूटिंग के लिए तेजस्वी यादव का प्लान। बिहार में फिल्मों की शूटिंग हो सके इसके लिए बिहार सरकार के द्वारा काफी कोशिशें की जा रही है। ऐसे में बीते दिन मंगलवार को बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने एक न्यूज पत्रिका से बातचीत करते हुए कहा कि पूर्वी और पश्चिमी चंपारण बहुत खूबसूरत जगह है, वहां फिल्मों की शूटिंग के लिए बहुत संभावनाएं मौजूद है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि चंपारण में नदी, जंगल, वन और बाघों की सुरक्षा को और भी बढ़ाया जाएगा और साथ ही पर्यटकों के ठहरने के लिए और भी इंतजाम किए जाएंगे। इस जगह का विकास हो सके इसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर को और भी डेवलप किया जाएगा। उन्होंने कहा कि सरकार के स्तर पर इस क्षेत्र को और भी बेहतर बनाने की कोशिश की जा रही है। बिहार में 11वीं के 2 छात्रों ने खोजे 10 क्षुद्र ग्रह। बिहार के 11वीं के 2 छात्र के द्वारा इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल सर्च कोलैबोरेशन के तहत 10 क्षुद्र ग्रह की खोज की गई है। बता दें कि इन दोनों छात्रों के नाम हर्ष और श्रेयस बी चंद्रा है। इनके इस खोज को लेकर नासा के द्वारा इन्हें अस्थायी प्रमाण पत्र और स्कॉलरशिप जैसी योजनाओं का लाभ मिल सकता है। इसके अलावा नासा के द्वारा इन क्षुद्र ग्रहों का नाम इन बच्चों के नाम से रखा जाएगा और सम्मानित किया जाएगा। जानकारी के लिए बता दें कि इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल सर्च कोलैबोरेशन नासा की ओर से चलाया जाने वाला एक कैंपेन जो कि साइंस सिटीजन प्रोग्राम के तहत आता है। इसमें अंतरिक्ष में होने वाली गतिविधियों पर नजर रखी जाती है। पटना साहिब में होगा 5 दिनों का अखंड कीर्तन समागम। तख्त श्री हरि मंदिर जी पटना साहिब में 26 से 30 नवंबर तक अखंड कीर्तन समागम का आयोजन किया जा रहा है। बता दें कि आयोजन गुरु तेग बहादुर जी महाराज का 347वां शहीदी पर्व के दौरान आयोजित किया जा रहा है, जो कि सिख पंथ के 9वें गुरु के रूप में माने जाते हैं। अखंड कीर्तन समागम के प्रत्येक दिन अलग अलग स्थानों पर धार्मिक अनुष्ठान किए जाते हैं, जिनमें 26 नवंबर को अखंड कीर्तनी जत्थों की ओर से तख्त साहिब में, 27 नवंबर की सुबह को गुरुद्वारा गोविंद नगर चितकोड़ा में और
शाम को बाल लीला गुरुद्वारा में, 28 नवंबर को तख्त साहिब व बाल लीला में, 29 नवंबर को गुरु के बाग स्थित गुरुद्वारा में और 30 नवंबर को जो कि शहादत पर्व के दिन के नाम से भी जाना जाता है उस दिन कीर्तन बिलावल चौकी तख्त साहिब में आयोजित की जाएगी। बिहार पुलिस में जल्द होगी बड़ी बहाली। बिहार पुलिस मुख्यालय के द्वारा बिहार पुलिस में बड़ी बहाली की जाएगी जिसके लिए जल्द ही अधिसूचना जारी कर दी जा सकती है। बता दें कि बिहार पुलिस में नव नियुक्त 10,459 पुलिस कर्मियों में कई कर्मी ऐसे हैं जिन्होंने अब तक अपना योगदान नहीं दिया है, इसलिए ऐसे पुलिस कर्मियों को पुलिस मुख्यालय के द्वारा हर हाल में 30 नवंबर तक योगदान देने को कहा गया है और अगर ऐसा नहीं होता है तो उन सभी पुलिस कर्मियों की नियुक्ति को रद्द कर दिया जाएगा। बताते चले कि इसके लिए जल्द ही पुलिस मुख्यालय के द्वारा अधिसूचना जारी की जा सकती है। वहीं 30 नवंबर के बाद पुलिस विभाग में जितने भी रिक्त स्थान बचेंगे वहां नई पुलिस कर्मियों की नियुक्ति की जाएगी। जानकारी के लिए बता दें कि 15 दिसंबर से नव नियुक्त पुलिस कर्मियों का प्रशिक्षण संभावित है। बिहार विधान परिषद में हुआ समितियों का पुनर्गठन। सभापति के आदेश के बाद एक बार फिर बिहार विधान परिषद सचिवालय के द्वारा समिति का गठन कर अधिसूचना जारी कर दिया गया है। बता दें कि अधिसूचना के अनुसार सभापति ही समिति के अध्यक्ष घोषित किए गए हैं और साथ ही 8 अन्य सदस्यों को भी मनोनीत किया गया है। बता दें कि अधिसूचना के अनुसार कुल 20 समिति के सदस्य चुने गए हैं जिनमें विशेषाधिकार समिति, आचार समिति, आवास समिति, बाल संरक्षण एवं महिला सशक्तिकरण समिति, अल्पसंख्यक कल्याण समिति, सरकारी आश्वासन समिति, पर्यावरण एवं प्रदूषण नियंत्रण समिति, शून्यकाल समिति समेत अन्य 12 समिति शामिल है। भोजपुरी अभिनेत्री अक्षरा सिंह ने गुस्से में छोड़ा बीच प्रोग्राम में स्टेज। आए दिन अक्षरा सिंह अपने किसी न किसी वीडियो को लेकर सुर्खियों में बनी होती हैं। ऐसे में एक बार फिर उनका एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें वो काफी गुस्से में नजर आ रही हैं। दरअसल यह वीडियो एक पब्लिक इवेंट का है जिसमें वे अपनी सुरीली आवाज से अपने फैंस को इम्प्रेस कर रही थी। इसी दौरान उनके साथ एक व्यक्ति ने बदतमीजी कर दी। वह व्यक्ति अचानक स्टेज पर चढ़कर अक्षरा सिंह के ऊपर नोट बरसाने लगा जिस वजह से अक्षरा सिंह काफी गुस्से में आ गई और बीच प्रोग्राम में ही स्टेज छोड़कर चली गई। वहीं वीडियो वायरल होने के बाद अक्षरा के फैंस उनके सपोर्ट में उतर गए हैं और जानकर अपना रिएक्शन दे रहे हैं। राज्य में दिसंबर में 1,539 फार्मासिस्ट की होगी भर्ती। तकनीकी सेवा आयोग के द्वारा जल्द ही बिहार में 1,539 फार्मासिस्ट की भर्ती की जा सकती है। मिली जानकारी के अनुसार इसके लिए विज्ञापन दिसंबर में जारी किया जा सकता है। बताते चले कि फार्मासिस्ट को लेकर उठाए गए सवाल को लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा एक समीक्षा बैठक का आयोजन किया गया था जिसमें यह जानकारी दी गई कि बिहार राज्य में फार्मासिस्ट के कुल 2,488 पद हैं जिनमें 1,539 पद ऐसे हैं जो खाली पड़े हुए हैं। वहीं अभ्यर्थियों को स्वास्थ्य विभाग के अपर मुख्य सचिव के द्वारा यह सलाह दी गई है कि अभ्यर्थी सारे जरूरी दस्तावेज तैयार करके रख ले ताकि विज्ञापन निकाले जाने के बाद जल्द से जल्द आवेदन की प्रक्रिया शुरू की जा सके। लालू यादव इसी हफ्ते जाएंगे सिंगापुर। बीते दिन मंगलवार को बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव के द्वारा यह जानकारी दी गई है कि आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव इसी हफ्ते अपने किडनी ट्रांसप्लांट के लिए सिंगापुर जा सकते हैं। हालांकि उन्होंने सटीक तारीख नहीं बताई है। मिली जानकारी के अनुसार लालू यादव का किडनी ट्रांसप्लांट अगले महीने दिसंबर में किया जा सकता है जिसके लिए वे इसी हफ्ते सिंगापुर जा सकते हैं। इस दौरान लालू यादव के साथ सिंगापुर जाने वाले में तेजस्वी यादव और कुछ परिवार के सदस्य शामिल हो सकते हैं। वहीं अगर कुडनी उपचुनाव रैली के दौरान लालू का किडनी ट्रांसप्लांट होता है तो सिंगापुर जाना कैंसिल किया जा सकता है। रोजगार पर आरजेडी का बीजेपी पर पलटवार। बिहार में रोजगार के मुद्दे को लेकर एक बार फिर राजद प्रवक्ता चितरंजन गगन ने भाजपा पर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि शिक्षक बहाली को लेकर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल के बयान को बेशर्मी की पराकाष्ठा बताते हुए कहा है कि भाजपा के द्वारा चलाई जा रही गलत नीतियों की वजह से ही आज देश में बेरोजगारी का हाल हो गया है। राज्य में लगभग 15 वर्षों तक वित्तीय विभाग भाजपा के हाथ रहा लेकिन आज भी बेरोजगारी चरम सीमा पर है और वर्षों से राज्य में शिक्षक बहाली की प्रक्रिया नहीं हो रही है और आज जब महागठबंधन सरकार की ओर से नौकरी दी जा रही है तो भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष और सुशील मोदी जैसे नेता घड़ियाली आंसू बहाकर वाहवाही लूटना चाह रहे हैं। सीरीज जीतने के बाद हार्दिक किसके साथ मनाएंगे अपनी छुट्टियां। हार्दिक पांड्या की कप्तानी में भारत ने T20 सीरीज में न्यूजीलैंड को 1-0 से शिकस्त दे दिया। वहीं मैच के खत्म होने के बाद हार्दिक पांड्या ने बताया कि अपनी छुट्टियां किसके साथ मनाने वाले हैं। बता दें कि हार्दिक पांड्या ने बातचीत करते हुए कहा कि हम इस मैच को भी जीतना पसंद करते लेकिन ऐसा नहीं हो सका। मौसम पर किसी का कंट्रोल नहीं होता। हमें ट्रॉफी मिलने और जीत के साथ घर वापसी करने में कोई दिक्कत नहीं है। घर लौटने के बाद अपने बेटे के साथ मैं छुट्टियां मनाऊंगा। इसके साथ ही उन्होंने आगे कहा कि न्यूजीलैंड के पास अच्छा गेंदबाजी आक्रमण है और यह महत्वपूर्ण था कि हम कुछ विकेट गंवाने के बावजूद पावर प्ले में आगे बढ़े। आक्रामक खेल से बाकी बल्लेबाजों को भी मौका मिल जाता है।
जानिए आज बिहार में क्या है पेट्रोल डीजल के रेट। बिहार में आज यानी बुधवार को पेट्रोल डीजल के रेट जारी किए गए, जिसके अनुसार आज पटना में पेट्रोल की कीमत 107.46 रुपए प्रति लीटर और डीजल की कीमत 94.24 रुपए प्रति लीटर निर्धारित की गई है। मुजफ्फरपुर में पेट्रोल की कीमत 108.07 रुपए और डीजल की कीमत 94.79 रुपए प्रति लीटर है। पूर्णिया में पेट्रोल की कीमत 108.82 रुपए और डीजल की कीमत 95.49 रुपए है। वहीं गया में पेट्रोल की कीमत 108.36 रुपए प्रति लीटर और डीजल की कीमत 95.08 रुपए प्रति लीटर में बिक रहा है। राज्य में सबसे ज्यादा जिस जिले में पेट्रोल डीजल की कीमत निर्धारित की गई है वह जिला किशनगंज है, जहां पेट्रोल की कीमत 109.62 रुपए प्रति लीटर और डीजल की कीमत 96.24 रुपए प्रति लीटर दर तय की गई है। वहीं सबसे कम कीमत बेगूसराय में दर्ज की गई है, जहां पेट्रोल की कीमत 107.05 रुपए और डीजल की कीमत 93.84 रुपए प्रति लीटर है। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का आप लोगों में से बहुत लोगों ने अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिख कर दिया था। जिन्होंने हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब दिया है उनके नाम है मृत्युंजय कुमार, विश्वनाथ कमती, नुन्नु गोलू कुमार, कुलदीप कुमार, मुतुर रंगीला, सदुल्लाह पलवी, श्रीनिवास शर्मा, मंटू साह, भान प्रकाश मौर्य, कविता कुमारी, अनवर करीम खान, फूलदेव यादव, मोहम्मद सकीर हुसैन, राजेश कुमार, पवन सिंह। अब बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है, आपके अनुसार बिहार का कौन सा क्षेत्र फिल्म शूटिंग के लिए सबसे अच्छा है? आप अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही। बिहार के तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहे बिहार न्यूज, और साथ ही अगर आप YouTube से देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, और अगर आप Facebook से देख रहे हैं तो पेज को लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।